हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसा कि फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही, जी हां फ्रेंड्स, आज ही वीडियो को पॉज करिए और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा इमीडिएटली आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि मेरा नाम है फिरोज और आप देख रहे हैं फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक यूएफएस बेस्ड हैंडसेट है, वीवो का Y50, जो कि एक लेटेस्ट हैंडसेट ही है। दोस्तों, ये एक यूएफएस बेस्ड इसमें हैंड चिप लग के है जिसको हम अनलॉक कर रहे हैं विदाउट UFI, विदाउट इजी अटैक। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये एक यूएफएस का सेट है, यूएफएस को अनलॉकिंग कैसे करें, पैटर्न कैसे हटाए। हम यूएसबी के थ्रू, जी हां फ्रेंड्स, यूएसबी केबल के थ्रू हम इसे अनलॉक करके बता रहे हैं आपको और कोई वीडियो हमारे चैनल पे फेक नहीं होता है फ्रेंड्स। सीना ठोक के बोलते हैं कि जो भी वीडियो बनाते हैं वो जेन्युइन वीडियो होता है और स्टूडेंट के हैंडसेट पर ही हम काम करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश किया हूं आपको कि एक यूएफएस बेस्ड हैंडसेट विदाउट उसकी आईसी को खोले, विदाउट UFI और इजी अटैक के कैसे आप अनलॉक कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये वीवो के बहुत सारे हैंडसेट को आप इस तरह से आप अनलॉक कर सकते हैं बहुत इजी में, वन क्लिक में आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। और आज जो टूल हम यूज करने वाले हैं UMT Pro, और ये जो हैंडसेट है फ्रेंड्स, इसमें जो सॉकेट सॉक है ये क्वालकॉम का CPU इसके अंदर लग के है। तो हमने बताया है कि बहुत इजी वे में इसे EDL मोड में कनेक्ट करके इसे हमने अनलॉक किया है वन क्लिक में। तो देखिए इस वीडियो को, चाहे वो MMC हो चाहे UFS हो, हर एक का एक तरीका होता है करने का, लेकिन आपको ये आना चाहिए। अदरवाइज आप UFS को खोलेंगे फिर आपके पास UFS का अडेप्टर नहीं होगा, इजी अटैक नहीं होगा, UFI बॉक्स नहीं होगा, तो आप हैंडसेट को रिटर्न कर देंगे। तो उसमें इस तरह के सोल्यूशन लेकर आते रहती है फोन फिक्स हैदराबाद की टीम, जो कि हर बच्चे को एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनाना चाहती है। नेक्स्ट बैच जो है हमारा 5 मई से है, जी हाँ फ्रेंड्स, 5 मई से नेक्स्ट बैच है। ईद के 2 दिन बाद हमारा बैच लगेगा, यानी 5 तारीख से हमारा बैच है। अगर आप आना चाहते हैं तो जल्दी से कॉल उठाइए, अपना सीट कंफर्म करा लीजिए और आ जाइए हैदराबाद की टीम के साथ, जुड़ जाइए फोन फिक्स हैदराबाद की टीम के साथ। अपने आप को अपडेट करिए, अपने बिजनेस को अपडेट करिए, अपनी इनकम को बढ़ाइए। दोस्तों, 5 गुना इनकम आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक शर्त यही है कि आपको अपडेट होना पड़ेगा, आपका हैंड स्किल सुधारना पड़ेगा, आपकी सर्किट की नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, स्कीमेटिक डायग्राम को समझने का तरीका आपको आना चाहिए, वोल्टेज मेजरमेंट चेक करने आपको आना चाहिए, पावर के सीक्वेंस को आपको समझना होगा, CPU कैसे वर्क कर रहा है, क्या उसको फ्रीक्वेंसी चाहिए, कितने किलोहर्ट्ज चाहिए, क्या मेगाहर्ट्ज चाहिए, पावर ऐसी है क्या, LDO कैसे बना रहा है, LDO के आउटपुट्स कैसे बना रहा है, बक लाइन कैसे बना रहा है, कोर लाइन कैसे बना रहा है, वो क्रिस्टल की सप्लाई कैसे उससे आउट हो रही है, कितना वोल्टेज वहां पे आ रहा है, CPU पोर्ट बनाता है तो कैसे बनाता है, VCC VCC Q वोल्टेजेस क्या होते हैं, VPS लाइन क्या होती है, प्राइमरी शॉर्टिंग क्या होती है, सेकेंडरी शॉर्टिंग क्या होती है, लीकेज क्या होता है, कॉम्पोनेंट का वर्किंग क्या है, सीरीज में लगा है कोई कैपेसिटर तो क्या वर्किंग है, पैरेलल में उसका क्या काम है, कॉइल है सीरीज में क्या वर्किंग है, पैरेलल में क्या काम करता है, नेटवर्क सेक्शन कैसे काम कर रहा है, ऑडियो सेक्शन कैसे काम कर रहा है, रिंगर सेक्शन कैसे काम कर रहा है, लाइट सेक्शन कैसे काम कर रहा है, ग्राफिक सेक्शन कैसे काम कर रहा है, डिस्प्ले कैसे आ रहा है, ये सब कुछ आपको जानना होगा फ्रेंड, तभी जाकर के आप एक अच्छे मोबाइल के टेक्नीशियन बन सकते हैं, जो कि आपको ये सिर्फ और सिर्फ फोन फिक्स हैदराबाद की टीम है जो कि आपको 100% रिजल्ट देती है। हमारे बच्चे जाकर के एक अच्छे लेवल पे काम करते हैं, किसी से आपको पूछने की, सोल्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोन फिक्स हैदराबाद की पूरी टीम आपके साथ है सर, आपको सपोर्ट करने के लिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स है, हमारा कॉलिंग का सबका अपना अपना टाइमिंग है, जो हमारे हर बच्चे को मालूम है कि सर कौन से सर कब फ्री होते हैं, कब इनको बात करनी चाहिए, कब इनसे कॉल करना चाहिए। तो दोस्तों, जुड़ जाइए, एक देश का भरोसा है फोन फिक्स की टीम के ऊपर और वो भरोसा हम कभी नीचे गिरने नहीं देंगे, हर बच्चे को सिखा कर ही छोड़ेंगे, चाहे वो हैंड स्किल का काम हो या फिर सर्किट की नॉलेज हो, आप जाकर के एक अच्छे लेवल पे काम करेंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बहुत ही इजी वे में हमने UFS को अनलॉक किया है। इसके अलावा बहुत सारे UFS के हैंडसेट है जो कि आप UFI आप USB केबल से अनलॉक कर सकते हैं। वीडियो पूरा एंड तक देखिए, अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास एक फ़ोन आया है वीवो का Y50, जो के लेटेस्ट मॉडल है वीवो का, क्वालकॉम वाला CPU है,
तो इसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ है जो कि हम इसको रिमूव करने वाले है अनलॉक टूल से। पहले तो UMT के अंदर देखेंगे इसका मॉडल ऐड है या नहीं है। अगर इसका मॉडल UMT में अगर ऐड होगा तो मैं इसको UMT से ट्राई करूंगा। अगर यहाँ पे ये UMT से नहीं होगा तो इसको फाइनली हम अनलॉक टूल से भी ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बने रहना, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे लॉक इसका एक बार फोन ऑन होने के बाद। ठीक है, यहाँ पे देखना आपको एक जैसे ब्राइटनेस थोड़ा सा डाउन है इसका। ठीक है, ये अभी जैसे कि इसका स्क्रॉल नहीं होता ऊपर से तो हम इसको ब्राइटनेस नहीं बढ़ा सकते। तो यहाँ पे देखना कि पिन लगा हुआ है तो मैं इसको पिन रिमूव करना चाहता हूँ। तो देखेंगे, इसको मैं EDL मोड में कनेक्ट करूँगा सबसे पहले। तो चलो यहाँ पे देखते हैं इसका मॉडल यहाँ पे ऐड है या नहीं है। एक बार लिस्ट में जाके देख लेंगे वीवो। वीवो का Y50 इसमें मॉडल है, एक बार मैं इससे ट्राई करके देख लेता हूँ Y50 से। तो यहाँ पे हम फ़ोन को कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फ़ोन को कनेक्ट करेंगे, थोड़ा आगे लेना, मैं यहाँ पे रूम पे बैठ के थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा लगेगा। तो फ़ोन को यहाँ पे हम EDL मोड में कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मॉडल को सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद हम इसे करेंगे यहाँ से वीवो फॉर्मेट FS टू वीवो, इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा और यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करके मैं स्टार्ट कर लूँगा। तो फोन को हम EDL मोड में कनेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा फोन कनेक्ट हो गया EDL में। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि फोन हमारा पूरी तरीके से अनलॉक होगा या नहीं होगा, तो थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ पे डिटेक्टिंग स्टोरेज टाइप अगर ओके हो जाता है तो IC को हमारा यहाँ पे ओके करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे UFS बता रहा है आपका 128 GB, और यहाँ पे हमारा अनलॉकिंग के लिए प्रिपेरिंग डाटा डन हो गया। फॉर्मेटिंग यूजर डाटा देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे परसेंटेज चालू हो गया आपका, मतलब फॉर्मेटिंग भी चालू हो गया है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद हम इसको लाइव ऑन करके देखेंगे हमारा यहाँ से पिन लॉक हटा या नहीं हटा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखना, ये UMT के से हम UFS को अनलॉक कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर UFS में कहाँ से अनलॉक करना है, ये कैसे होगा अनलॉक, या ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है। तो हम यहाँ पे आपको वीवो के जितने भी फोन्स आपको मिलेंगे आप उसको अनलॉक कर सकते हैं इजीली UMT के जरिए से। और अनलॉक टूल में भी बहुत सारे इसमें ऑप्शन मिलेंगे आपको, लेटेस्ट मॉडल मिल जाएंगे, वीवो Y73 मिल जाएगा, इवन V23 प्रो भी मिल जाएगा आपको, जियो के लेटेस्ट अभी मार्केट में लॉन्च हुआ है, और X70 प्रो भी हो जाएगा वीवो का। इसमें जो लेटेस्ट मॉडल है आपके सारे मॉडल्स इसमें हो जाएंगे वीवो का, जो कि ऑफलाइन में ही सारा काम हो जाता है, ऑनलाइन की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है जो कि यूजर डाटा इसका फॉर्मेट हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे डन, यहाँ पे यूजर डाटा डन हो गया। अब यहाँ पे बता रहा है कि आपको डू यू लाइक टू रिसेट FRP, अगर आपको साथ साथ FRP भी अगर रिमूव करना है तो आपको यहाँ पे यस करना है। तो ये साथ ही साथ आपका FRP भी डन हो जाएगा, और आपको वन क्लिक में प्लस FRP प्लस यूजर डाटा सब आप वन क्लिक में ही करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा डन हो गया, एक बार हम यहाँ देख लेते डन, एक बार फोन को ऑन करके देख लेंगे EDL से हटा के। एक बार ऑन करिए फोन को अच्छे से। ठीक है, ऑन हो गया, एक बार देखेंगे यहाँ पे अनलॉक हो गया हमारा फोन। तो एक बार पूरा ऑन होता है या नहीं होता है लाइव आपके सामने होगा। तो यहाँ पे देखना क्लियरिंग डाटा डू नॉट ऑपरेट
द डिवाइस। तो यहाँ पे ये फर्स्ट लोगो आ गया है और जैसे ही मेरा सेकंड लोगो आता है तो हमारा फोन बूट कर जाएगा। बहुत सारे लोगों का ऐसा इशू आता है, वीवो का फोन अनलॉक करने के लिए जाते हैं, UMT से करने की कोशिश करते हैं, कोई टैब ऐसा यूज करने के बाद फोन फर्स्ट लोगो पे ही स्टक अप हो जाता है, जिसको उन्हें पता नहीं होता है कि आगे करना क्या है। कुछ टैब में ऐसे चीजें होती है कि जहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे आप अनलॉक कर लेते तो इसी के नीचे लिख के आता है कि प्लीज गो टू रिकवरी एंड वाइप डाटा। तो ये लोग यहाँ पे नहीं पढ़ते और डायरेक्टली फ़ोन ऑन करने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं मिला तो मुझे डायरेक्टली कंफर्म है कि ये फ़ोन डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। इन केस आपको वैसा अगर मैसेज मिल जाता है UMT के अंदर तो आप सबसे पहले रिकवरी में डाल के वो प्रोसेस कर ले जो कि वहाँ पे रिकमेंडेड बता रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखना, जो कि मेरा पिन लॉक लगा हुआ था, अब यहाँ पे ये पिन लॉक मेरा रिमूव हो गया है, तो मैं इसको सिंपली नेक्स्ट कर लेता हूँ। ये आपके सामने पूरा लाइव हो रहा है, जो कि पिन लॉक बता के आपको अनलॉक भी करके बता दिया, जो कि मेरा लेटेस्ट मॉडल है वीवो का Y50 और ये प्लस आपका UFS भी है। तो यहाँ पे आप इजीली UFS भी अगर फ़ोन होगा तो आप इजीली यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। तो मेरा FRP लॉक भी यहाँ पे नहीं है, तो नेक्स्ट कर लेंगे हम, नेक्स्ट यहाँ पे स्किप कर लेते हैं और यहाँ पे भी एक बार स्किप कर लेंगे। तो ये आपको सेटअप करना होता है, ठीक है। यहाँ पे अब लास्ट स्टेप आपका कॉन्ग्रेचुलेशन पे आ गया, यूज नाउ। तो कुछ फ़ोनों में यहाँ से रिवर्स जाता था जो कि FRP नहीं निकला हुआ रहता, लेकिन अब ये नेक्स्ट हो गया, हमारा फ़ोन डायरेक्टली ऑन हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा भी FRP भी डन हो गया। अब यहाँ पे हमारा सिंपली फ़ोन नॉर्मली हो गया ऑन। तो यहाँ पे देख लेना सारा सिस्टम, हमारा सेटिंग में जाएंगे हम, एक बार मॉडल आपको बता देता हूँ, सिस्टम मैनेजमेंट अबाउट फ़ोन। तो यहाँ पे देखना 8GB रैम, 128GB जो हमारा UFS लग के, वीवो 1935, इसमें आपका एंड्रॉयड 10 लग के वर्जन। तो यहाँ पे सारा कुछ हमारा IMEI 1 IMEI 2 सब शो कर रहा है। तो आप ऐसे ही इजीली एकदम जो भी आपके पास फ़ोन आएगा इजीली ट्रिक में आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो